हरीशचंद्र बिल्कुल सही है दोस्तों, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चे की हम डिटेल में चर्चा करना चाहें तो ये जयपुर रियासत से संबंधित है। आजाद मोर्चा नंबर एक दोस्तों, ये जयपुर रियासत से संबंधित है, तो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है जयपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों कहते हैं कि बात है 1942 की, 1942 की बात है, जब जयपुर के अंदर जो जयपुर प्रजामंडल है उसी के खूब सारे सक्रिय सदस्य जिनमें सारे शामिल थे, आप इसको छोड़ दीजिए, माणिक्यलाल वर्मा के अलावा जमनालाल बजाज सहयोगी थे, मेंबर तो नहीं थे, और क्योंकि हाँ वैसे जमनालाल बजाज शुरू में अध्यक्ष रहे थे, आपको पता होगा 1938 में अध्यक्ष थे। हीरालाल शास्त्री बाद में बढ़ते हैं, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान के जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। बाबा हरिश्चंद्र सक्रिय सदस्य थे, कहते हैं कि रामकरण जोशी भी सक्रिय सदस्य थे। कहते हैं कि 1942 की बात है जब जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, और उस दौरान जयपुर रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे हमारे, क्या नाम था, मिर्जा इस्माइल, याद आ गया, मिर्जा इस्माइल। दोनों के बीच में एक समझौता होता है, समझौता यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हो चुका है, इसमें जयपुर प्रजामंडल हिस्सा नहीं लेगा। ये बात कौन कह रहा है, ये एक तो शर्त यह हो गई, यानी जयपुर प्रजामंडल कह रहा है कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, और इस दौरान विपक्ष यानी जयपुर रियासत की वजह की तरफ से दीवान कहते हैं कि हम अंग्रेजों की कभी भी सहायता नहीं करेंगे। तो ये दो बड़ी बातें इंपॉर्टेंट है, यानी जयपुर प्रजामंडल कहता है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, और इधर से जयपुर रियासत कहती है कि हम अंग्रेजों का कभी भी सहायता नहीं देंगे। ये दो महत्वपूर्ण शर्तें, और इनके माध्यम से ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया दोस्तों। इसका नाम है जेंटल एग्रीमेंट, क्या नाम है, जेंटलमैन एग्रीमेंट बोल सकते हो आप, जेंटलमैन एग्रीमेंट बोल सकते हो, ठीक है, ये समझौता हो गया। ऐसे समय में नाम है बाबा हरिश्चंद्र और इनके सहयोगी, जिसमें नाम मिलता है दौलतमल भंडारी और रामकरण जोशी, दोस्तों दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, रट लेना। बाबा हरिश्चंद्र के दो सहयोगी रामकरण, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, दोनों इंपॉर्टेंट है। दौलतमल कौन से मल है, दौलतमल भंडारी दोस्तों, ये दोनों कहते हैं बाबा हरिश्चंद्र जी हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेंगे, हम जयपुर प्रजामंडल की बात को नहीं मानेंगे। इन्होंने क्या बोला कि हम भाग लेंगे। एक और है दोस्तों, नाम याद आ गया मुझे, गुलाब चंद्र कासलीवाल भी था, गुलाब चंद्र कासलीवाल याद रखें, गुलाब चंद्र कासलीवाल। तो इस प्रकार से ये चार बंदे हो गए हैं, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद्र कासलीवाल। ये चार व्यक्ति ऐसे हैं जो हीरालाल शास्त्री की बात से असहमत थे, इन्होंने बोला हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया 1942 में, और इसने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। लेकिन आगे चल करके 1945 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से एक बार फिर से आजाद मोर्चे का विलय कर दिया गया उन्हें जयपुर प्रजामंडल, रट लेना अच्छी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके